क्या है मंत्र का बूमरैंग? क्या आप मंत्रों के बूमरैंग प्रयोग करने का तरीका जानते हैं? मनन करने से जो त्राण करता है, रक्षा करता है, उसे ही मंत्र कहते हैं। मंत्र शब्दात्मक होते हैं। मंत्र सात्विक, शुद्ध और अलौकिक होते हैं। अंत आवरण हटाकर बुद्धि और मन को निर्मल करते हैं। मंत्रों द्वारा शक्ति का संचार होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। आधुनिक विज्ञान भी मंत्रों की शक्ति को अनेक प्रयोगों से सिद्ध कर चुका है। समस्त संसार के प्रत्येक समुदाय, धर्म या संप्रदाय के अपने अपने विशिष्ट मंत्र होते हैं। अनेक संप्रदाय तो अपने विशिष्ट शक्तियों वाले मंत्रों पर ही आधारित है। मंत्रों की प्रकृति क्या होती है? मंत्रों का सीधा संबंध ध्वनि से है, इसलिए इसे ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं। ध्वनि प्रकाश, ताप, अणुशक्ति, विद्युत शक्ति की भांति एक प्रत्यक्ष शक्ति है। मंत्रों में अमुक अक्षरों का एक विशिष्ट क्रमबद्ध, लयबद्ध और वृत्तात्मक क्रम होता है। इसकी निश्चित नियमबद्धता और निश्चित आपेक्षिक परिणाम ही इसे वैज्ञानिक बनाते हैं। मंत्र में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का एक निश्चित भार, रूप, आकार, प्ररूप, शक्ति, गुणवत्ता और रंग होता है। मंत्र एक प्रकार की शक्ति है जिसकी तुलना हम गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय शक्ति और विद्युत शक्ति से कर सकते हैं। प्रत्येक मंत्र की एक निश्चित ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। मंत्र किस माध्यम या मीडियम में गति करते हैं? ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। प्रत्येक शब्द आकाश के सूक्ष्म परमाणुओं में कंपन पैदा करता है। ध्वनि तरंगे एक प्रकार की मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इन तरंगों को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जो ठोस, तरल या वायु रूप में हो सकती है। हमारे द्वारा बोले गए साधारण शब्द वायु माध्यम में गति करते हैं और वायु के परमाणुओं के प्रतिरोध उत्पन्न करने के कारण इन ध्वनि तरंगों की गति और ऊर्जा बाधित होती है। मंत्रों की स्थूल ध्वनि तरंगे वायु में व्याप्त अत्यंत सूक्ष्म और अति संवेदनशील ईथर तत्व में गति करती है। ईथर माध्यम के परमाणु अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील होते हैं। इसमें गति करने वाली ध्वनि तरंगे बिना अपनी शक्ति खोए काफी दूर तक जा सकती हैं। लेकिन मंत्र की सूक्ष्म शक्ति आकाश में स्थित और अधिक सूक्ष्म तत्व, जिसे मानस पदार्थ कहते हैं, में गति करती है। वायु और ईथर के कंपनों की अपेक्षा मानस पदार्थ के कंपन कभी नष्ट नहीं होते और इसमें किए गए कंपन अखिल ब्रह्मांड की यात्रा कर अपने इष्ट देव या देवी तक पहुंच ही जाते हैं। अतः प्रत्येक मंत्र की शब्द ध्वनियां एक साथ वायु, ईथर और मानस माध्यमों में गति करती है। मंत्रों की गति करने का पथ कैसा होता है? प्रत्येक मंत्र साधक और उस मंत्र के अधिष्ठाता देव के मध्य एक आदर्श सेतु का कार्य करता है। साधारण बोले गए शब्दों की ध्वनि तरंगे वातावरण में प्रत्येक दिशा में फैलकर सीधी चलती हैं, लेकिन मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों को क्रमबद्ध, लयबद्ध, वृत्तात्मक क्रम से उच्चारित करने से एक विशेष प्रकार की गति चक्र बन जाता है, जो सीधा चलने की अपेक्षा स्प्रिंग की भांति वृत्ताकार गति के अनुसार चलता है और अपने गंतव्य देव या देवी तक पहुंच जाता है। पुनः उन ध्वनियों की प्रतिध्वनियां उस देव की अलौकिकता, दिव्यता, तेज और प्रकाश अणु लेके साधक के पास लौट जाती है। अतः हम कह सकते हैं मंत्रों की गति स्पाइरल सर्कुलेटरी पाथ का अनुगमन करती है। इसका उदाहरण हम बूमरैंग या प्रत्यावर्ती बाण के पद से कर सकते हैं, जिसकी वृत्तात्मक या सर्कुलर यात्रा पुनः अपने स्रोत पर आकर ही खत्म होती है। बूमरैंग या प्रत्यावर्ती बाण एक ऐसा उपकरण है जिसे फेंका जाता है और यह फेंकने वाले के पास वापस लौट आता है, बेशर्ते इसे सही तरीके से फेंका जाए। बूमरैंग का पथ घुमावदार होता है, जो इसके आकार, घूर्णन गति और वायु के गति गुणों पर आधारित होता है। सही तरीके से फेंके जाने पर यह अपने शुरुआती बिंदु पर वापस लौट आता है।
अतः मंत्रों के रूप में जो भी तरंगे अपने मस्तिष्क से हम ब्रह्मांड में प्रक्षेपित करते हैं वे लौटकर हमारे पास ही आती हैं। अतः मंत्रों का चयन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। बूमरैंग की गति और मंत्र की गति के बीच की समानता को प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। यहाँ दोनों के बीच की समानताओं को समझाने का प्रयास किया गया है। पहला, वापसी या रिटर्न इफेक्ट। जब बूमरैंग को सही तरीके से फेंका जाता है तो यह एक घुमावदार पथ पर यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है। वैसे ही मंत्र को एक संकल्प या अभिप्राय के साथ उच्चारित किया जाता है। कहा जाता है कि सही तरीके से जप किए गए मंत्र ऊर्जा को वापस उसी व्यक्ति या स्थिति की तरफ लौटाते हैं जिसने इसका उच्चारण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इच्छित फल की प्राप्ति होती है। दूसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया। बूमरैंग वायु गतिकीय गुण और घूर्णन इसे उसी दिशा में वापस लाते हैं जहां से इसे फेंका गया था। यह एक प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया की प्रक्रिया है। वैसे ही मंत्र जप करते समय व्यक्ति एक विशिष्ट ऊर्जा या ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। माना जाता है कि यह ध्वनि तरंग ब्रह्मांड में प्रसारित होती है और समय के साथ प्रतिक्रिया स्वरूप ऊर्जा या परिणाम वापस आते हैं। तीसरा, सटीकता और विधि। बूमरैंग को फेंकने के लिए सटीक कोण, गति और घूर्णन की आवश्यकता होती है। गलत तरीके से फेंकने पर यह वापस नहीं आता। वैसे ही मंत्र का उच्चारण और जप भी एक विशिष्ट विधि के अनुसार किया जाता है। सही उच्चारण, ध्यान और संकल्प के साथ मंत्र को जपने पर ही अपेक्षित परिणाम प्राप्त होते हैं। चौथा, चक्र या सर्कुलर पाथ। बूमरैंग हवा में एक घुमावदार या सर्कुलर पाथ पर चलता है। वैसे ही मंत्र जप एक निश्चित चक्र की तरह होता है जिसमें ध्वनि, विचार और ऊर्जा एक चक्र बनाते हैं। इसे बार बार दोहराया जाता है जो स्प्रिंग नुमा एक सर्कुलर पाथ का प्रतिनिधित्व करता है जहां ऊर्जा वापस साधक के पास लौटती है। पांचवा, वापसी का सिद्धांत। बूमरैंग इस सिद्धांत पर आधारित है, जो ऊर्जा या वस्तु भेजी जाती है वह वापस लौटती है। वैसे ही मंत्र भी उसी सिद्धांत पर आधारित है, जो भावना, विचार या ऊर्जा मंत्र जप के माध्यम से भेजी जाती है वह किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बूमरैंग और मंत्र की गति के बीच एक गहरी सांकेतिक समानता है। दोनों में एक वापसी का तत्व होता है जो यह दर्शाता है कि हमारे द्वारा भेजी गई ऊर्जा, चाहे वह भौतिक जैसे बूमरैंग हो या ध्वनि तरंग जैसे मंत्र हो, किसी न किसी रूप में वापस आती है। दोनों में विधि और सटीकता का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों का परिणाम उसके सही उपयोग पर निर्भर करता है। जैसे गायत्री मंत्र महामंत्र है, इस मंत्र के अधिष्ठाता देव सूर्य हैं। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ब्रह्मांड के मानस माध्यम में एक विशिष्ट प्रकार की असाधारण तरंगे उठती हैं, जो स्प्रिंग नुमा सर्कुलर पथ का अनुगमन करती हुई सूर्य तक पहुंचती है और उसकी प्रतिध्वनि लौटते समय सूर्य की दिव्यता, प्रकाश, तेज, ताप और अन्य अलौकिक गुणों से युक्त होती है और साधक को इन दिव्य अणुओं से भर देती है। साधक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित होता है। मंत्र सिद्धि के क्या लक्षण है? जब मंत्र साधक के भ्रूमध्य या आज्ञा चक्र में अग्नि अक्षरों में लिखा दिखाई दे तो मंत्र सिद्ध हुआ समझना चाहिए। जब बिना जाप किए साधक को लगे कि मंत्र जाप अनवरत उसके अंदर स्वतः चल रहा है तो मंत्र की सिद्धि होनी अभीष्ट है। साधक सदैव अपने इष्ट की उपस्थिति अनुभव करे और उसके दिव्य गुणों से अपने को भरा समझे तो मंत्र सिद्ध हुआ जाने शुद्धता, पवित्रता और चेतना का ऊर्ध्व गमन का अनुभव हो तो मंत्र सिद्ध हुआ जाने। मंत्र सिद्धि के पश्चात
साधक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति होने लग जाती है।